अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं KKS डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट्री आने वाली है बहुत जल्द, लेकिन इसका एक ट्रेलर रिलीज़ किया है ISPR ऑफिशियल की तरफ से, जिसका टाइटल इतना ज़बरदस्त है जिसे हमें देखने पर इसने मजबूर कर दिया है, वेयर मैन एंड माउंटेन्स मीट। ये जो है KK2H या फिर KKS का मतलब है काराकोरम हाईवे। काराकोरम हाईवे 8 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी आता है और ये 1600 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कनेक्ट करता है पाकिस्तान और चाइना को। तो पाकिस्तान और चाइना की जो एक फ्रेंडशिप है, जो एक बॉन्ड है, उसके बीच में ये हाईवे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद ये देखा जाए, अगर इसकी बैक स्टोरी देखी जाए, तो ये हाईवे बनना और इसका जो कंस्ट्रक्शन रहा है, इसकी जो हिस्ट्री रही है, हाँ, वो उतनी ही ज्यादा खतरनाक रही है। और उसके पीछे क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है वो इस छोटे से ट्रेलर में दिखाई गई होगी। बाकी हमें डिटेल में जो है वो डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या रहा है। सो ये 18 दिसंबर को डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होने वाली है ISPR पर ही। सो मुझे तो देखना है कि ये क्या दिखाया जाएगा इसमें। सो इससे पहले हम देखते हैं इसका ट्रेलर। सो लेट्स बिगिन। Delirium Productions. At such high altitude, there was a saying that the alive deteriorate with the dead get preserved. ये एक कोट दिखाया जाता है ना, तो उसका मतलब ये है कि बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री स्टोरी होने वाली है। इसको देखकर ही कोई इंसान ठंडा पड़ जाएगा, क्या ही हाल होगा इसका। 1966 मुझे बुला के कहते हैं कि तुझे फॉरेन ट्रिप दे रहा हूँ और बड़ा लंबा ट्रिप दे रहा हूँ। अच्छा। तो मुस्करा के उन्होंने कहा कि अभी तुम जाके मैप को देखोगे तो खुंजराब ढूंढना चाइना के बॉर्डर में। तो चाइना का बॉर्डर बिल्कुल लगा हुआ है ना वहाँ से। यहाँ भी नेचर बड़ी स्ट्रॉन्ग, भुरभुरे पहाड़ हैं। काराकोरम मीन्स काले भुरभुरे पहाड़, और उन्होंने गिरना है। खूबसूरत, ऊपर अल्लाह ताला, नीचे मौत, दरिया, समझ गए। वो जो रस्सियां बांधी हुई थी ने, वो उसे छूट के क्यों, जब उन्होंने देखा ऊपर से स्लाइड आ रही है, और वो बेचारे दे वेंट डाउन टू चैप्स। तो वहाँ से उन्होंने फिर वायरलेस किया, उसने कहा हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन हाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। एक तरीके से दिखाया भी जा रहा है कि उन्हें कैसे रुक जाएगा टेंशन के। काराकोरम हाईवे वेयर मैन एंड माउंटेन्स। लिहाज से तो ये जो सड़क बन गई है, इट इज अ मिरेकल। सही बात है, चमत्कार ही है ये कि जिस रास्ते पर इन्होंने सड़क को बनाया है, हाईवे जो बनाया है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप के ऊपर हमने बहुत सारे ऐसे किस्से भी सुने हैं और सॉन्ग्स भी सुने हैं ऑब्वियसली, बट इसके पीछे क्या कहानी है वो हमें सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद ही पता चलेगी। उसकी खूबसूरती को हम जायज़ा ले लेते हैं, उसकी खूबसूरती को हम देख लेते हैं, पर उसके पीछे क्या कहानी है, कितने लोगों की शहादत है, वो वाकई मतलब क्या बोला जाए तो इसके बारे में। इसका हमने अभी टीजर ट्रेलर ही देखा है, और इसको देख करके जिसे कहते हैं ना, गला खुशक हो गया, एकदम सूख गया कि यार कैसे उन लोगों ने उस टाइम पे कैसे बनाया होगा 1600 किलोमीटर लंबा, इतना बड़ा, और उसको कंस्ट्रक्ट करना, और वो 8000 फीट अबव सी लेवल, वहाँ पे खाना ले जाना, उस सर्वाइव करना उन कंडीशंस में, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि हमें यहाँ पे नॉर्मल अगर ठंड पड़ जाती है तो उसी में ही
हालत खराब हो जाती है, वहां पे लोगों ने कैसे कंस्ट्रक्शन जारी रखा है। बिल्कुल उन्होंने सही बोला, ऊपर खुदा और नीचे मौत, इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आप ये भी जज नहीं कर सकते कि कब कौन सा पहाड़ कैसे खिसक जाए, क्योंकि ऐसे जगहों पे मिट्टी बहुत ज्यादा खिसक सकती है, लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो किसी चीज का आइडिया नहीं रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने एग्जैक्टली वही बताया भी कि जरूरी नहीं है कि जो बन गया है तो जिन लोगों को शहादत देना थी वो हो चुका, अभी भी ये हाईवे इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसका पेट भरा नहीं है। आए दिन यहाँ पे ऐसे केसेस आते हैं कि रास्ता इतना ज़्यादा खतरनाक है, एक्सीडेंट्स होते ही हैं यहाँ पे। बिल्कुल। सो ये था इसका बहुत ही छोटा सा ट्रेलर, और डॉक्यूमेंट्री देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा इसके बारे में, और भी ज़्यादा जानने के लिए मिलेगा। सो गाइज ये था आज का हमारा रिएक्शन, सो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, बहुत मज़ा आया देखकर, और ISPR की तरफ से रिलीज होने वाला है तो मज़ेदार तो होना ही है। डॉक्यूमेंट्री जब आएगी तो हम कोशिश करेंगे, अगर जितनी भी बड़ी है तो हम मे बी पार्ट्स में करें उसका रिएक्शन, अगर हम आपके साथ ही ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। हाँ, अगर ज़्यादा लंबी हुई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम ज़रूर उसका एक आपके साथ रिएक्शन देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और हमें उम्मीद है कि वो डॉक्यूमेंट्री भी इतनी ही अच्छी होगी जितना अच्छा इसका टीजर था, ट्रेलर था, उतनी ही अच्छी मूवी भी होगी। सो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।